ये इमेज एंड ये सारी फोटोज मैंने AI से बनवाई है एंड वो भी जस्ट अपने फोन का यूज करके एंड दैट टू फॉर फ्री। मिड जर्नी या फिर स्टेबल डिफ्यूजन की तरह कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस फॉलो नहीं करना एंड ना ही कोई डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है। फाइनली देयर इज एन ऐप फॉर योर फोन जो कि आपके लिए ऑन द गो जस्ट प्रॉम्प्ट डालो एंड इमेजेस को जनरेट कर सकता है। ये AI टाइम के साथ साथ जितना एडवांस होता जा रहा ना उतना ही एक्सेसिबल भी हो चुका है इस ऐप के जरिए। सो ज्यादा सस्पेंस बिल्ड नहीं करते हैं एंड आपको ऐप का नाम बताता हूँ। ऐप का नाम है इमेजिन गो AI एंड इसमें इमेज जनरेशन के अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं। बेसिकली ये मिड जर्नी से भी एडवांस है एंड बहुत ही सिंपल है यूज करना एंड फ्री भी है। इवन अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं भी आता तब भी आप 2 मिनट में मस्त ऐसे AI जनरेटेड इमेजेस को बना पाओगे। सो लेट्स चेक आउट दिस ऐप। तो देखो ये जस्ट मैंने इस ऐप को ओपन किया एंड ये है इसका बेसिक इंटरफेस। सबसे पहले आपको जस्ट यहाँ पे राइट अ प्रॉम्प्ट का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप सिर्फ प्रॉम्प्ट डाल के कोई भी इमेज को जनरेट कर सकते हैं। तो प्रॉम्प्टिंग का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको जस्ट एग्जांपल के दिखाता हूँ एक प्रॉम्प्ट डाल के। तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट डाल दिया है एंड जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा इसको डन करूँगा। यहाँ से मैं स्टाइल को चूज करूँगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं स्टाइल के, कुछ इसमें प्रीमियम भी है लेकिन बहुत सारे फ्री भी हैं जैसे ये स्टैम्प बुक है, एनीमे है, या फिर आप चाहो तो यहाँ से माइथोलॉजिकल करेक्टर चूज कर सकते हैं या फिर मैं चाहूँ यहाँ से तो ये ऑथेंटिक चूज कर सकता हूँ एंड यूज स्टाइल्स। इसके बाद आपको एस्पेक्ट रेशो ऑप्शन मिलता है, मतलब आप ये भी चूज कर सकते हैं कि आपकी इमेज का साइज क्या हो। ठीक है तो मान लो मुझे ये थंबनेल के लिए चाहिए तो मैं यहाँ से 16:9 पे करूँगा और ये पूरी एक वाइड फोटो है जिसमें वीडियो यूज कर सकता हूँ। और कितनी इमेज जनरेट करनी है तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक जनरेट करूँगा एंड क्रिएट पर क्लिक करते हैं। अब ये जस्ट 20-30 सेकंड लेगा एंड ये आपकी इमेज आ चुकी है। देखिए डैम भाई मुझे तो अच्छी लग रही है इमेज, फुल स्क्रीन करके देखते हैं। मुझे ये फोटो बहुत ही सही लग रही है, बहुत ही सिनेमेटिक लग रही है और पूरा परफेक्ट से लाइटिंग वाइटिंग की है। मैं इसको अपनी वीडियो में एज अ फ्रेम भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके की इमेजेस आप इससे जनरेट कर सकते हैं। जनरेट करने के बाद आप इसको जस्ट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ओरिजिनल साइज में या फिर एनहांस के लिए आपको प्रो लेना पड़ेगा जो कि ज़्यादा महंगा नहीं आप ले सकते हैं, बट हाँ फ्री में बहुत अच्छा काम करता है। तो ओरिजिनल को हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब आते हैं इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं। मान लो आपको प्रॉम्प्ट लिखने नहीं आते तो आप कैसे करोगे। ठीक है यहाँ पे देखिए प्रॉम्प्ट बिल्डर का एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे कि हमें क्या क्या टेक्स्ट चाहिए। मान लो एक कार इन रेड कलर चाहिए हमें, लेकिन आगे और क्या लिखना वो हमें नहीं पता। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आपको फ़िल्टर चूज़ करना है, कौन सा फ़िल्टर आपको चाहिए, किस तरीके की आपकी कार चाहिए। मान लो हमें स्पाई वाला फीचर है वो चाहिए, फिर हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी आपके पास एक स्केल आता है नीचे, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कितना आपके प्रॉम्प्ट को फॉलो करें और कितना आर्टिस्टिक सोचे। तो बेटर क्वालिटी या फिर मैच प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट को ज़्यादा मैच ना भी करे तो भी चलेगा लेकिन बहुत ही आर्टिस्टिक होना चाहिए। इसको हम कम करेंगे एंड यूज़ दिस प्रॉम्प्ट। तो ये एक प्रॉम्प्ट बन चुका है, एक कार इन रेड कलर स्पाई एस्पेक्ट रेशो इतना CGF 2.3.2। तो ये इसने प्रॉम्प्ट खुद से बना दिया है। स्टाइल चूज़ करते हैं एक बार यहाँ से, मान लो हमें यहाँ से ऑथेंटिक चाहिए एंड जनरेट पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ये इमेज हमारी जनरेट हो चुकी है जो कि बहुत ही रियल लग रही है। देखो इसके अलावा इसमें एक बहुत ही कूल जो मेरे को फीचर लगा वो है यहाँ से आप रिवर्स प्रॉम्प्ट कर सकते हो। मान लो आपको कोई इमेज बहुत पसंद आती है एंड उसको आपको देखना है कि वो किस प्रॉम्प्ट से बनी होगी या फिर उसके सिमिलर आपको इमेज को जनरेट करना है। कोई वायरल फोटो है मान लो इंस्टाग्राम पे एंड आपको चाहिए कि ऐसी एक फोटो मैं बनाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड एक इमेज को मैं चूज़ करता हूँ जो मैंने रिसेंटली कहीं से स्क्रीनशॉट लिया था इंस्टाग्राम से। मान लो ये एक फोटो है एंड मैं चाहता हूँ कि इसका प्रॉम्प्ट मुझे मिल जाए, तो जस्ट हम इस पर जनरेट नाउ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देखिए पूरा प्रॉम्प्ट इसने ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया कि ये इमेज कैसी आएगी, ए वुमन विद लॉन्ग हेयर एंड कैट्स हेड इन हर हेड विद अ ब्लैक बैकग्राउंड। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं एंड इसके सिमिलर और इमेज को जनरेट कर सकते हैं। जस्ट हम स्टाइल को चूज़ करेंगे, मान लो हम एनिमे चूज़ कर लेते हैं एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं एंड देखिए जस्ट उस इमेज से मिलती जुलती हमें और बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एंड हमारी फोटो फिर वायरल हो सकती है। तो देखो ये इसने हमारी इमेज को जनरेट कर दिया जो कि लगभग सिमिलर लग रही है एंड उस इमेज के मैचिंग है पूरी, तो इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो रिवर्स प्रॉम्प्टिंग का ये बहुत बड़ा फायदा है कि आपको कोई भी इमेज अगर कहीं भी पसंद आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लो एंड यहाँ पे डालो एंड आपको प्रॉम्प्ट उसका मिल जाएगा एंड आप सिमिलर इमेज को जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग टाइप की इमेजेस मिलती है। आपको कोई एसेसरीज जनरेट करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, आपको फैशन एंड क्लोथिंग करनी है, शूज़ की आपको फोटो जनरेट करनी है, मतलब हर टाइप की आपको यहाँ पे मिल जाती है इमेज जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इवन यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कुछ करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट डाला तो ये देखो अपने आप इसने यहाँ पर ये वाली इमेज जनरेट कर दी। अब जैसे आपको ये पसंद नहीं आया तो मैंने यहाँ पर एक नेक्स्ट और प्रॉम्प्ट डाला एंड ये देखो कितना सही इसने ये डिज़ाइन पूरा बनाकर दे दिया। इस तरीके से आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग को भी डिजाइन कर सकते हैं। टेम्पलेट के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के अंदर जो है वो है AI एवेटार, मतलब आप खुद के एवेटार बना सकते हो एंड ना सिर्फ खुद के अपने पेट्स के भी आप एवेटार बना सकते हो, आपके डॉग्स या फिर कैट्स। तो यहाँ पर हम ह्यूमन का बनाएंगे एक, ट्राई नाउ एंड मेल AI एवेटार पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे AI एवेटार के ऑप्शन आते हैं एंड यहाँ से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। ये एनिमेज वगैरह के अलावा आप यहाँ पर AI वाला फोटो शूट भी कर सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज मिल रखी है यहाँ पर, मैट्रिमोनी हो गया या फिर डेटिंग हो गया, लॉयर हो गया, शेफ हो गया, ये सब चीज़ आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जस्ट अपनी फोटो को अपलोड करो एंड आपकी प्रोफाइल पिक्चर DP बिल्कुल बन जाएगी एंड एक प्रोफेशनल फोटो शूट जैसी आपकी फोटोज मिल जाएगी। अब बात आती है कि ये कितना फ्री है। देखो इसमें आपको 10 इमेजेस आप डेली जनरेट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, डेली आप न्यू 10 इमेजेस को AI जनरेट कर सकते हो एंड एवेटार वाला आपको पे करना पड़ेगा, उसके लिए फ्री नहीं है। आई थिंक बहुत ही सही है, 10 इमेजेस काफी होती है दिन की, आपको कहीं भी यूज़ करनी हो आप 10 इमेजेस एटलीस्ट फ्री में जनरेट कर सकते हैं। एंड इसका अगर आप प्रीमियम भी बाय करना चाहो तो आप वो भी बाय कर सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है एंड मेरा डिस्काउंट कोड अगर आप लगाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल सकता है। बाकी आप बताओ कि आपको ये ऐप कैसा लगा एंड क्या आप इसको यूज़ करने वाले हो AI इमेजेस बनाने के लिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।